अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, मैं अपना व्लॉग का आगाज़ जो है ना अपने कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब जो है ये हमें जहाज़ पे ही थी, तो मैं बीच में उठती थी सोती थी, तो एक मूवी है, इट्स माय फेवरेट मूवी, तो वो मैंने इंग्लिश लगा ली थी, वो मैं मूवी बैठ के देख रही थी। और ये अब हम लैंड कर रहे हैं। कहाँ लैंड कर रहे हैं? 4 घंटे और 15 मिनट की फ़्लाइट के बाद हम लैंड किए बहरीन। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को से मैंने पूछा था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर भी किया था, इंस्टाग्राम पे भी बहुत से आंसर्स आए थे, यहाँ पर भी आए थे कि अब बहरीन किसने कहा था, दुबई, तो क्योंकि वही करीब करीब पड़ते हैं। तो खैर, मैं बहरीन लैंड की हूँ और बहरीन में ये है कि इट वॉज़ माई वेरी फर्स्ट ट्रिप टू बहरीन। इससे पहले मैं कभी बहरीन नहीं गई। मेरे हस्बैंड आते जाते थे, तो हमें था कि चलो, मेरे हस्बैंड को था चलो इस दफ़ा तुम बहरीन भी देख लोगी और उसके बाद फिर आगे हम आगे ट्रैवल कर लेंगे। सो खैर, हम बहरीन पहुंच गए थे। बहरीन के हिसाब से, पाकिस्तानी हिसाब से, हम तकरीबन बहरीन पहुंचे थे सुबह के एक बजे के करीब पहुंचे थे। आई डोंट रिमेंबर द टाइम, क्योंकि ये पूरा जो है ना, यू कैन से एक महीना पुराना व्लॉग है। क्यों एक महीना पुराना व्लॉग है? बीच में मैंने तकरीबन 3 हफ्ते कोई व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि आई वॉन्टेड कि मैं अपना वो टाइम इबादत में यूटिलाइज करूँ, ना कि मैं ये टेंशन लूँ कि मुझे एडिटिंग करनी है, मुझे अपलोड करना है। क्योंकि आप एक नेक मकसद के लिए जा रहे होते हो, तो आपको कंसंट्रेशन होती है सिर्फ अपनी इबादत। तो इस वजह से मैंने कोई अपलोड नहीं किया वीडियो, और मुझे था कि पता नहीं इसमें एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है आई शुड लाइक यूटिलाइज माई एनर्जीज इन माई इबादत। सो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं की थी। मैंने कंटेंट बना बना के अपने कंप्यूटर में रखती जा रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे था कि जब मैं वापस चली जाऊंगी देन आई विल शेयर एवरी एक्सपीरियंस ऑफ माई। तो मुझे था बहरीन का भी शेयर कर लूँगी और आगे का भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी। सो बहरीन पहुँच के वेदर वॉज टू गुड, वेदर वॉज वेरी गुड, मीन्स इट वॉज नॉट कोल्ड एट ऑल। गर्मी थी और बिल्कुल 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड में मौसम चल रहा था, और बहुत ही खूबसूरत मीन्स गर्मी वाला मौसम था, क्योंकि यहाँ से हम फॉग में से गए थे, तो वहाँ पर वेदर जो था वो बहुत अच्छा था। खैर, हुआ ये कि मेरे सर में बहुत शदीद किस्म की दर्द थी जब मैं पहुँची। सारी रात का ट्रैवल था, उससे एक दिन पहले भी जब मैं आपको दिखाया था ग्रॉसरी वगैरह करके आई थी, तो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। और वो हुआ ये कि जब मैं इधर पहुँच गई तो मेरा सर जो है ना वो एक्सट्रीम पे दर्द कर रहा था। तो मैंने किया क्या कि मैं आके जैसे ही हम पहुंचे मैं सो गई। तकरीबन कोई 2-3 घंटे में सोती रही होटल में। और उसके बाद ये था कि फिर हम रात को, रात का टाइम है, हमने खाना खा रहे थे, और मुझे था मैं आप लोगों के साथ इस होटल की थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर कर लूँ, रूम टूर भी मैं आप लोगों को दूंगी। तो हम ठहरे थे गल्फ होटल में, इट्स अ वेरी फेमस होटल इन बहरीन। जो बहरीन में रहते हैं उनको पता होगा इस होटल के बारे में। मैं फर्स्ट टाइम गई थी यहाँ पर, और ये था कि ये सारे डिज़र्ट्स जो मैंने सिर्फ चखे थे, क्योंकि आपको पता है डायबिटिक तो मैं नहीं खा सकती। खैर, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये व्लॉग जब पूरा एक महीना पुराना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 25th of December का दिन है। जैसे आज 25th January है, तो ये पूरा एक महीना पुराना व्लॉग है, और ये 25th of January का व्लॉग है। और यहाँ पर, सॉरी नॉट जनवरी, दिसंबर, 25th December जो है वो क्रिसमस होती है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है, इसलिए आपको ये ट्री भी नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ह्यूज ट्री। सिर्फ ये नहीं, इन्होंने हर जगह पे छोटे छोटे ट्री, बड़े ट्रीज डेकोरेट करके लगाए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत यू कैन से डेकोरेशन थी इस पूरे होटल की, बहुत प्यारी डेकोरेशन की भी थी इन्होंने। खैर, एनीवेज, यहाँ पर ये आपको जो है एक छोटा सा शॉप नज़र आएगी, इट वॉज सेंटास क्रिसमस शॉप और आई डोंट नो इस तरह का इसका नाम था। और इसमें बहुत सारे जिंजर ब्रेड जो होती है उसके हाउसेस बने हुए थे, और इसके अलावा बहुत सारे फॉन्डेंट वाले केक्स थे, क्रिसमस के केक्स थे, गिफ्ट्स के लिए अगर किसी ने ख़रीदने हो और लेके किसी के घर भिजवाना हो, लेकर जाना हो। तो वो सेलिब्रेशन पीक पे थी, हम पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा
होटेल्स में होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा था। और दूसरा ये था कि इनकी अपनी भी जो है ना वो आई थिंक जैसे पाकिस्तान डे होते हैं, इंडिपेंडेंस डे कुछ इसी तरह का इनका रिसेंटली गुजरा था, तो बाकी भी बाहर बहुत ज्यादा लाइटिंग्स और ये वो हुई हुई थी। तो खैर ये मैं आपको, मुझे था कि चले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि खाना तो हमने खा लिया था, लेकिन जो क्रिसमस के केक्स थे वो इतने खूबसूरत खूबसूरत थे, इतने प्यारे प्यारे केक्स थे। और डिजर्ट की इनकी पूरा एक आयल था जहाँ पर सिर्फ डिजर्ट्स थे। सो इतने अच्छे मजे मजे के डिजर्ट्स। मैं तो थोड़ा थोड़ा चख रही थी, मेरा शुगर जो है वो पहले भी कंट्रोल में नहीं थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी पहले जो तीन चार आपको दिखाई वो चखी थी। बट मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करती हूँ कि जो इनके मीन्स यहाँ पर मौजूद थी। अच्छा है ये एक बहुत बड़ा होटल, और इसमें जिधर हम खाना खाते थे दैट वॉज अ बूफे सिस्टम, बट उसके अलावा यहाँ पर हर मुल्क का जो है ना एक छोटा छोटा रेस्टोरेंट है, छोटा तो नहीं, अच्छा खासे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। और वो रेस्टोरेंट्स ये हैं कि वो इधर अपनी मीन्स ये जो बूफे वाला था यहाँ पर अपने डिजर्ट्स एंड खाने वो भिजवाते थे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कंट्री के डिजर्ट्स, डिफरेंट कंट्री के ब्रेकफास्ट और डिफरेंट कंट्री के लंच, हर चीज़ जो है ना वो आपको डिफरेंट कंट्रीज की मिलती थी। तो इतना ह्यूज इनकी जो है ना ये सिर्फ डिजर्ट की जो है एक पूरा आयल था। एंड यू कैन से कि यहाँ पर तकरीबन कोई 30-40 किस्म के तो डिफरेंट इसमें जो है ना सारे डिजर्ट्स लगे हुए थे। खैर एनीवेज, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे सर में बहुत दर्द था, मैं सोई, फिर मैं उठी और उसके बाद मैंने इधर आके हमने डिनर डिनर किया। और फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी मैं फुटेज बना लेती हूँ। तो पहला दिन तो आपको पता है कि हमेशा थोड़ा टायरिंग होता है, जेट लैग होता है, 1-2 दिन लगते हैं आपको। जेट लैग इतना टाइम डिफरेंस नहीं, सिर्फ 2 घंटे का है, लेकिन क्योंकि हमारी फ्लाइट रात की थी और मैं इससे पहले भी बहुत रेस्टलेस थी पाकिस्तान में ही, तो उस वजह से भी मुझे जो है ना मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। पर एनीवेज ये था कि उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि खाना खा लेने के बाद चलो जाते हैं, थोड़ी बाहर वॉक कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे कि किस तरह का है, तुम्हें आसपास सराउंडिंग का भी पता चल जाएगा। सो आई वॉज लाइक फाइन। सो खैर ये थोड़ा बहुत जो डिजर्ट या कुछ भी मैंने लिया था, मुझे था मैं आप लोग से शेयर कर दूँ। उसके बाद हम रात को चले गए थे वॉक पे, और वॉक पे जाने के बाद जो भी चीज़ मैंने रियलाइज की वो यही थी कि जो मैं जूते लेकर आई थी, जिस मकसद के लिए लेकर आई थी, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बाद भी मुझे अच्छी खासी मेरे पैरों में स्वेलिंग हुई हुई थी, एंड वो मुझे जूते भी सूट नहीं कर रहे थे। तो मुझे था मैं एक आध दिन देख लेती हूँ, वरना फिर अल्टीमेटली आई विल बी बाइंग न्यू शूज फ्रॉम हेयर फ्रॉम बहरीन। तो बहरीन इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, और सीरियसली 1 बहरीनी दिनार इज पाकिस्तानी 600 रुपये, तो बहुत ज़्यादा पीक पे जाके एक्सपेंसिव मुल्क है। लेकिन ये है कि उधर सेल्स बहुत अच्छी लगी हुई थी क्योंकि क्रिसमस था, शॉपिंग भी मैंने की है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इसलिए आप मेरे जो व्लॉग्स हैं वो कंटिन्यूसली देखिएगा, तो आप लोगों को सारी चीज़ें मैं क्लियर करके दिखाऊंगी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।